अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड्स, चैप्टर नंबर 2, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी। न्यूक्लिक एसिड्स को न्यूक्लिक एसिड्स कहने की वजह यह है कि इनकी पहली चीज तो यह है कि प्रेजेंस इनकी न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियस में है। तो प्रेजेंस इन अ न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस में प्रेजेंस की वजह से इसको हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं कि एसिडिक खुद है नेचर में, एसिडिक इन नेचर and presence in a nucleus, that is why its name is derived as nucleic acids। अब इसमें सबसे पहले जो इसके बारे में study किया था वो F. Mischer ने किया था और 1869 में उसने ये research अपनी जो है वो शाया की थी कि जिसमें उसने बताया कि actual में ये nature में acidic है और nucleus में पाया जाता है, इसलिए हम इसका नाम रखेंगे nucleic acids। एसिड्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये दो हैं, एक तो डीएनए है और दूसरा आरएनए है। तो इसके अगर हम टाइप्स में जाएं तो टाइप्स में हम इसकी दोनों टाइप्स का नाम लेते हैं। नंबर वन पे आता है डीएनए और दूसरे नंबर पे आता है आरएनए। जो डीएनए है इसको हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इसलिए बोला जाता है बिकॉज ये डीऑक्सीराइबोज शुगर पे मुश्तमिल है। उसके कौन से पार्ट्स हैं हम आगे देखेंगे। तो दूसरी जो टाइप है वो है ऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, जिसको ओनली राइबोज न्यूक्लिक एसिड भी बोला जाता है। तो राइबोन्यूक्लिक एसिड और डीएनए में जो फर्क है वो भी बिल्कुल माइनर सा है, और उसमें जो फर्क है वो डिफरेंट तौर पे अलग से क्वेश्चन भी आता है। पहले हम इसके कंपोनेंट्स देखेंगे कि कंपोनेंट्स कौन से हैं न्यूक्लिक एसिड्स के कि जिनसे मिलकर ये बनता है। पहला कंपोनेंट जो इसमें पहली चीज आती है वो आती है राइबोज शुगर। राइबोज शुगर एक्चुअल में पेंटोज शुगर है, जिसको हम 5 कार्बन वाली शुगर भी बोलते हैं। पेंटोज शुगर जो है वो ही एक्चुअल में डिटरमिन करती है कि आया इसमें हमारे पास डीएनए आएगा या आरएनए आएगा। वो किस तरह की, जब आप उसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो उसमें 5 कार्बन रिंग के ऊपर जो दूसरे नंबर पे हाइड्रोक्सिल मौजूद होता है वो डिटरमिन करता है कि वहां पे हमारे पास क्या चीज पाई जा रही है। इस शुगर में एक साइड पे हमारे पास नाइट्रोजनस बेस लगती है और इधर फास्फोरिक ग्रुप लगता है या फास्फोरिक एसिड लगता है। यहाँ पे जब हम इसको डिफाइन करते हैं तो एक तरफ हाइड्रोक्सिल हाइड्रोजन लगता है, इसी तरह इस पे भी हाइड्रोक्सिल हाइड्रोजन मौजूद होता है। तीसरे नंबर वाली कार्बन जो है यहाँ पे भी हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल मौजूद है। अगर राइबोज शुगर में ये जो दूसरे नंबर वाला कार्बन है, इधर से अगर नंबरिंग करें 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो दूसरे नंबर वाला जो कार्बन है इसके ऊपर अगर हाइड्रोक्सिल कंप्लीट है, पूरा मौजूद है, तो ये जाएगा आरएनए में, यानी ऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड में। और अगर इसी में चेंजिंग ये आए कि ऑक्सीजन रिमूव हो जाए, पूरे का पूरा ग्रुप वैसे की वैसी कार्बन रहे, पूरी की पूरी रिंग इसी तरह नजर आए, नाइट्रोजनस बेस और जो जो भी हमने यहां पे लगाना फास्फोरिक एसिड वो वैसी, और इधर हाइड्रोजन के साथ आ जाए दूसरा हाइड्रोजन, यहाँ पे मौजूद जो हाइड्रोक्सिल था वो अगर रिमूव हो जाए इस जगह पे, तो ये जो खाली जगह है क्योंकि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया तो इसलिए हम इसको बोलेंगे डीऑक्सी, और डीऑक्सी होने की वजह से हो जाएगा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब इसकी वजह से ये चला जाएगा डीएनए में। तो रिंग भी पहली मरतबा ये है कि पहली चीज तो ये है कि रिंग डिटरमिन करती है कि आया ये डीएनए होगा या आरएनए होगा। इसके बाद अगला जो कंपोनेंट है, जिस तरह उसमें बेस का नाम यूज कर रहे थे, तो वो होती है नाइट्रोजनस बेस। जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो 4 टाइप की हैं डीएनए के लिए, एक जो आरएनए के लिए चेंज होती है वो डाल के 5 हो जाती है। अब इनमें पहली जो आती है वो है एडिनिन, जिसको हम ए से डोनेट करते हैं। दूसरी आती है थायमिन, जिसको हम टी से डोनेट करते हैं। तीसरी आती है गुआनिन, जिसको हम जी से डोनेट करते हैं। और एक है साइटोसिन, जिसको हम सी से डोनेट करते हैं। आरएनए में एक बेस डिफरेंस आता है जो थायमिन की जगह यूरासिल में चेंज हो जाता है। इन बेसिस में 2 ऐसी हैं कि जो डबल रिंग्ड है और 3 ऐसी हैं कि जो सिंगल रिंग्ड है। जो डबल रिंग है उसको हम कहते हैं प्यूरीन रिंग्स। जो प्यूरीन्स हैं वो डबल रिंग स्ट्रक्चर्स हैं, उनको डबल रिंग से हम ध्यान में रख सकते हैं, और वो दोनों ही हैं एडिनिन और गुआनिन। ये दोनों डबल रिंग में पाई जाती हैं, जबकि जो पाइरिमिडिन्स हैं वो दूसरे नंबर पे आती हैं, वो 3 हैं। जो पाइरिमिडिन्स हैं इनमें 3 आती हैं,
एक तो थायमीन, दूसरी जो यूरासिल उसमें चेंज होती है, और तीसरी साइटोसिन। ये वो रिंग्स हैं या ये जो बेसिस हैं जो इसके साथ अटैच होती हैं आगे एक साइड पे।